you are securing 705 marks, right? Yes, congratulations. Dear, congratulations, very very congratulations. फिर aims आओगे तो फिर मिलते हैं आराम से. हाँ पक्का मिलेंगे सर, आपका तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपके YouTube चैनल से. कब से फॉलो कर रहे हो मेरे को? मैं मतलब मैं मेरे पापा के फोन से देखता था पहले तो लाइक मेरे जब नीट चल रही थी ना तब ऐसे मोटिवेशन के लिए एम्स दिल्ली के लिए मैं फॉलो कर रहा था, सब्सक्राइब कर रहा था आपका चैनल. अच्छा और ये बताओ मुझे कितनी रैंक आ रही है तुम्हारी? ऑल इंडिया रैंक 30 आ रहा सर. चलो मेरे से भी अच्छी रैंक है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन है ना. लेकिन लक भी था यार एक तो, ये मानोगे क्योंकि 705 नंबर पे आई बिलीव 60 रैंक भी है ना, 60 रैंक तक गई है ना. वो तो है सर. वो एक देखो मैंने हर बार ये चीज बोली भी थी कि एक लक वाला फैक्टर भी होता है ना. बट ऑल टुगेदर इट इज योर हार्डवर्क दैट मेक्स द रिजल्ट ना. सो मतलब अब जैसे तुम मेरे को थैंक्स बोल रहे हो मुझे भी अच्छा लगता है. मैं भी अपने टीचर्स को भले ही थैंक्स बोलता था है ना, और सारे लोग ये बोलते हैं कि लगता है ना कि यार इनने मेरे को गाइड कर दिया तो उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं कुछ बन गया. लेकिन समवेयर डाउन द लाइन एक बार अपने आंख बंद करके जब तुम ये सोचोगे ना तो ये तुम्हें समझ में आएगा जो उसमें 95% मेहनत तो तुम्हारी थी, मैंने तो केवल तुम्हें राह डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ. लेकिन बेटा मेहनत तुम्हारी थी, मैं यही चीज तुमसे बोलूंगा है ना. एंड विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट है ना. हम लोग इंटरव्यू करते हैं साथ में है ना, और एम्स आओ तो फिर हम लोग आराम से मिलते ही है ना सर. वो तो मिलना ही है. कब से फॉलो कर रहे हो मेरे को? लाइक 3 months हो गए सर. अच्छा 3 months से मेरे को रेगुलरली तुम मतलब सारा. अच्छा चलो जब लॉकडाउन के बाद मतलब ना सारा. हाँ बस वही तभी मतलब जेल से निकले ना हॉस्टल से. अच्छा कहाँ मतलब तुम एलन कोटा से हो? नहीं मैं श्री चैतन्य से हूँ. ओके 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 श्री चैतन्य. चलो दैट्स ग्रेट दैट इज ग्रेट दैट इज ग्रेट. चलो विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट है ना. कीप मतलब कि यार अच्छा लगा यार तुम इतना खुश हो गए यार, मतलब अच्छा लगता है ऐसे किसी से बात करके है ना. हम लोग इंटरव्यू रखते हैं सब कुछ करते हैं ना. एक मैं तुमसे रिक्वेस्ट चाहूंगा, ये तुम्हारा जो रिएक्शन है ना ये मैं डालना चाहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे. वो दैट विल फाइट मतलब ये जो होता है ये एक्सट्रीम रिएक्शन बहुत मतलब ये एकदम जो रैग बहुत रिएक्शन होता है यार जैसा उस टाइप का. पक्का सर डाल दीजिए बेझिझक. हाँ चलो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट है ना. थैंक्स है ना. ओ ये एम्स का ड्रेस कोड क्या है वैसे? मतलब एम्स का थोड़ा जानना था. एम्स का ड्रेस कोड एक कहीं नहीं मिल रहा है मेरे को. ड्रेस कोड वैसे मतलब समझा नहीं मैं. मतलब ड्रेस कोड फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड लाइक मतलब पैंट शर्ट पैंट लो है ना. मतलब या फिर तुम उसमें मतलब ठीक है वो तो यार यहाँ पर आओगे आराम से और एप्रन मतलब मिल जाएगा सब हो जाएगा यार. मतलब यहाँ पर आओ पहले तो अभी रिलैक्स करो यार है ना. इतना मत सोचो है ना. काउंसलिंग में ढंग से मैं तुम्हें एक वीडियो भेज दे रहा हूँ है ना. पीयूष सर का वीडियो है एक बहुत अच्छा काउंसलिंग, उसे अटेंड कर लेना. मैं तुम्हें बता रहा हूँ पिछली बार हुआ था ऐसा जहां तक मुझे आइडिया है. एक दो बच्चे ऐसे थे काउंसलिंग में गलती की वजह से उनका रह गया था. मतलब इवन आफ्टर सिक्योरिंग रैंक ना तो बहुत बहुत ढंग से मतलब वो चीज कर लेना. मतलब कि जस्ट डोंट गेट ओवरवेल्म ना कि लगता ऐसा है कि अब तो हो गया है ना. और इफ यू डू अ ब्लंडर है ना तो इशू हो जाएगा है ना. तो बी वेरी केयरफुल. मैं तुम्हें भेज दे रहा हूँ वो चीज है ना. एंड मतलब उसको छोड़ के बाकी तो विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट है ना. अच्छे से है ना एंजॉय करो है ना. ओके ओके बेटा ओके ओके बाय 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 बाय.